राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने रुस्तमपुर स्थित एक निजी लॉन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने बताया कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को उनके घरों में बैठे बैठे पूरे देश के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उपलब्धियों से परिचित करा रहे हैं। पूरी दुनिया में शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों को उनके देश की जानकारियां दी होंगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि गोरखपुर के रहने वाले निमित कुमार सिंह शहद का व्यापार कर रहे हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद शहद का उत्पादन कर राष्ट्रीय योगदान दे रहे हैं, जो कि गर्व का विषय है। इस अवसर पर रुस्तमपुर पार्षद कनकलता सिंह, धर्मेंद्र सिंह, कृष्ण मोहन शाही, कौशल किशोर मल, राम श्रृंगार, राम मिलन, मनीष पांडे, श्रवण मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा, 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। कर्नाटका के एक और किसान है मधुकेश्वर हेगे जी, उन्होंने अपने काम में इनोवेशन किया और वो जामुन शहर, तुलसी शहर, आंवला शहर जैसे वानस्पतिक शहद भी बना रहे हैं। मधुकेश्वर जी, मधु उत्पादन में आपके इनोवेशन और सफलता, साथियों आप सब जानते हैं कि शहद को हमारे पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान में कितना महत्व दिया गया है। आयुर्वेद ग्रंथों में तो शहद को अमृत बताया, आरोग्य भी देता है। शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं, डॉक्टर हैं। लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जगह निमित जी ने स्वरोजगार का फैसला किया, उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया क्वालिटी चेक के लिए, और अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। ऐसे युवाओं की मेहनत से ही आज देश इतना बड़ा शहद उत्पादक बन रहा है। नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन जैसे अभियान चलाए, किसानों ने पूरा परिश्रम कितने लगे, अभी इस क्षेत्र में और भी बड़ी संभावनाएं मौजूद है। मैं चाहूंगा कि हमारे युवा इन अवसरों से जुड़कर मन की बात के एक श्रोता श्रीमान आशीष बहल जी का एक पत्र मिला है। उन्होंने अपने पत्र में चंबा के मिंजर मक्के के फूलों को कहते हैं, जब मक्के में मिंजर आते हैं तो मिंजर मेला भी मनाया जाता है, और इस मेले में देश भर के पर्यटक दूर दूर से हिस्सा लेने के लिए आते हैं। ये चंबा आते हैं, वे इसकी खूबसूरती देखकर महीने भर यहां रह जाते हैं। मेले जन मन दोनों को जोड़ते हैं। हिमाचल में वर्षा के बाद मंडी, कुल्लू और सोलन में सैरी या शहर भी मनाया जाता है। सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है। जागरा के मेलों में महासु देवता का आह्वान करके विशु गीत गाए जाते हैं। महासु देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला, किन्नौर और सिरमौर के साथ साथ उत्तराखंड में भी होता है। साथियों, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में आदिवासी समाज के भी कई पारंपरिक मेले होते। देखिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरी दुनिया के राजनेताओं के लिए एक सबक है। एक व्यक्ति जो 24 घंटे जनसेवा में लगा रहता है, और अब तो मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, मुझे सौभाग्य है कि मैं प्रत्यक्ष उन्हें काम करते हुए देखता हूँ। वह व्यक्ति राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप के अतिरिक्त अपने नागरिकों को भी प्रशिक्षित करना चाहते हैं। आप पूरे भारत में घूमते हैं, भारत को जानने का प्रयास करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री हमें हमारे घर में बैठा के ही पूरे देश की सारी विशिष्टताओं से अवगत करा देते हैं। जो लोग माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात को लगातार सुन रहे होंगे, उन्हें स्वयं एहसास हो रहा होगा कि वो देश के बारे में
उनकी जानकारी कितनी अधिक बढ़ गई और नित्य प्रति बढ़ती है। मैं गोरखपुर का 20 साल विधायक रहा हूँ, आज राज्यसभा में सदस्य हूँ। हमारे ही, मैं शहर का विधायक था इसलिए हो सकता है मैं ना जानूँ, हमारे ही अपने शहर में कोई विनीत कुमार सिंह थे जिनको गोरखपुर के लोग नहीं जाने और माननीय प्रधानमंत्री ने जान लिया। आज गोरखपुर का उन्होंने जिक्र किया, विनीत सिंह का जिक्र किया और फिर हम लोगों ने जाना कि विनीत सिंह मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद किस प्रकार से शहद के उत्पादन में अपना राष्ट्रीय योगदान कर रहे हैं। तो ये हमारे गोरखपुर के लोगों के लिए भी बड़ी गौरवशाली कथा थी और इससे ये भी पता चलता है कि माननीय प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो कितनी गहराई तक जा करके समाज को देख के समझ करके समाज के किसी भी वर्ग में जिसने भी बेहतर काम किया है उसको हमारे बीच में लाने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के लिए, इसके लिए पूरे नागरिकों को ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। उनका यह जन प्रशिक्षण और लोक संग्रह का कार्य सनातन चलता रहे, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ।